तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय मैन लिफ्टिंग इन बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय द मीन्स ऑफ रोप टाइड टू बकेट इज निगेटिव। अब यार मेरे भाई, एक कुआं है और इस कुएं से कोई बकेट से पानी, वर्क डन बाय मैन लिफ्टिंग ए बकेट, और ये इस कुएं में एक बकेट है, समझ रहे हो? ये क्या है, एक बकेट है, और इस बकेट से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ आदमी, ठीक है, एक स्ट्रिंग से इस कुएं पर एक आदमी है और इसको ऊपर खींच रहा, पुल ऊपर कर रहा है। तो कहते हैं वर्क डन बाय द मैन, मैन का वर्क डन, लिफ्टिंग रोप इज नेगेटिव, मैन का वर्क डन नेगेटिव कैसे हो जाएगा? सोचो ना, गलत स्टेटमेंट है ना, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मैन है वो टेंशन स्ट्रिंग के हेल्प से फोर्स ऊपर लगा रहा है, और ये बकेट मोशन भी ऊपर कर रहा है, जा भी ऊपर रहा है, मोशन भी ऊपर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। तो मैन का वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय द मैन टू लिफ्टिंग द बकेट विल बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। चलो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स लिफ्टिंग बकेट आउट बाय द रोप इज नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर इस बकेट को तुम देखोगे, ये अपना बकेट है, और इस बकेट को तुम देखोगे और ये बकेट ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर है, तो ग्रेविटी इस पे mg नीचे लग रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा 180 हो गया। तो ग्रेविटी जो होता है, जो वेट है, वेट का वर्क डन ग्रेविटी का तो निगेटिव है। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, मतलब बी सही है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बी एंड डी करेक्ट है, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। चलो सी की बात करो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। तो चलो, अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ और ये इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से कोई बॉडी स्लाइड करती है डाउनवर्ड, तो मेरे भाई फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है, और वेलोसिटी इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो थीटा 180 आ गया, अपोजिट है, तो फ्रिक्शन का तो वर्क डन निगेटिव आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव थोड़ी आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव, जो कि ये गलत है, मतलब बी भी गलत हो, सी भी गलत हो गया। डी देखो, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। अब देखो, अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है हॉरिजेंटल रफ सरफेस पे, तो अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, समझना इस बात को, ठीक है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो, तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो अप्लाइड फोर्स तो इधर होगा और फ्रिक्शन इधर होगा, ठीक है। तो जो अप्लाइड फोर्स है उसका वर्क डन अगर देखोगे, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन अगर इसमें देखना चाहोगे, तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्या? तो अप्लाइड फोर्स इधर, ये जो डिस्प्लेसमेंट टैक्स है, तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है, और जितना अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है और फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव है, टोटल वर्क डन जीरो होगा, बट अकेले एफ का वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन ए ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग के पास कोई सिंपल पेंडुलम है, दिस इज सिंपल पेंडुलम, और अगर ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो विस्कस जो फोर्स है वो तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, विस्कस फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही तो लगेगा, तो विस्कस जो फोर्स है वो एयर का फोर्स अपोजिट ही लगेगा, तो उसका वर्क डन निगेटिव ही आएगा। मतलब ये हुआ कि अपना बी और ई ऑप्शन सही है। तो बी और ई ऑप्शन सही है, इस हिसाब से ए ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाता है। ए भी गलत है, ए भी गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।